वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब? ठीक है। तो आज हम आए थे भाई को पार्क के। तो इसके काम देखो, ये क्या कर रही है? क्या है ये? आजकल बड़ी बातें करती है ये। माँ पे गई है, इसकी माँ के लिए लंबी जुबान है। तो हमें जो है इतने सारे लोग जो है ना बातें सुना रहे हैं ना सभी। क्या हुआ? के बोल रहे हैं खान साहब, वैसे खान साहब बोलते रहते हो, सुमेरा हर वक्त चिपकी रहती है खान साहब को, और खान साहब का पता नहीं करने जा रही। उस दिन शहजाद ने भी वीडियो बनाई और उसने, मैंने और शहजाद ने बनाई और हम लोगों ने यही जवाब दिया। हॉस्पिटल में उन्होंने हमें सब बताया, ठीक है, हमने तबीयत वगैरह का पूछा कैसी है, क्या हो गया क्या नहीं। तो उन्होंने बोला उनको कोरोना पॉजिटिव आया है, तो जो है ना इसलिए डॉक्टरों ने ना मना किया मिलने से। मतलब आप लोग जाने लगे थे? तो हाँ, हम जाने लगे थे। तो जो बेहतर होगी उसको हैंड ऑफ आई कर देंगे, हम उसके पास नहीं जाएंगे। फिर भी उन्होंने नहीं ऐसा नहीं, मेरी ही बात हुई थी तो मैंने बोला हम लोग आते हैं, तो मैंने बोला चलो थोड़ी बेटर होगी तो फिर जाएंगे। मेरी भी बात हुई थी तो मेरे को उन लोगों ने बोला था। कोई बात नहीं, सच बताऊं मेरी बात नहीं, मैं जो मेरा जो फोन होता है ना, हाँ, वो मेरे पास नहीं है। अल्लाह तंगा मार दिया यार। तो मेरी भाभी, जब मेरी बात हुई थी तो अक्सा आपी ने मुझे बोला था कि शहजाद भाई अभी आप नहीं मिल सकते क्योंकि अलाउ नहीं है, हॉस्पिटल में अलाउ नहीं है मिलना, तो जिनको कोरोना हुआ है इसलिए अलाउ नहीं है, तो जब तक हम घर नहीं जाएंगे तो आपसे नहीं मिल सकते। तो ये आप जो कमेंट्स कर देते हो हैं, आप लोग तो कमेंट्स कर देते हैं। ये शुक्र है खुदा का, हम तो कहते हैं पहले से बेहतर है, अल्लाह पाक उसे तंदुरुस्ती दे, हमारे बच्चों के साथ अपने घर में है। गोलू बेटा इतना रोता है बाजी का, गुस्सा देखो, ये गुस्सा, ये गुस्सा किधर है? गुस्सा। और ये सैमी की जो है ना, ये देखो चोट लगी, सैमी दिखा, ये चोट लगी थी ना तो इसकी ये नील आंखों पे आ गई। सैमी देखो पहचानना ही नहीं जा रहा। ये जो है ना इसके पूरी ये वाली चीज भी, उससे भी दर्द नहीं होती ना, ये देखो यहाँ पे इसके सारा नील पड़ गया ना, ये खाली इसी का दर्द है, तो इसको चोट नहीं लगनी चाहिए थी, डॉक्टर ने यही तो प्रॉब्लम है। और जब रोता है जो चीज पे भी जिद करता है भाई को पास, बच्चों को दूसरों को, बच्चों को नाराज कर देता है, इसे नहीं नाराज करता है। काका तुझे नाराज करता है? सनी के पापा वाले देखो, पापा ने आज बोला अगर वो तुम्हारी एक पिक्चर हो जाए तो भाई स्टैंड मारने लग गई। मैं क्या बता रही हूँ, यूट्यूबरों की बच्चे है काका, ये एक्शन देखो। अम्मी से मिलते हैं, अम्मा गए ने तेनु खान साहब ने तो फोन किया ही। अम्मी का दुपट्टा तो अंजलि, हाँ जी, हाँ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आपने कॉल की थी इनको? अक्सा नाल मेरी गल हुई थी, अक्सा कह रही थी मिलने नहीं देते, अम्मा हम घर आएंगे तो फिर आप आ, मिलने नहीं देते। हाँ वो देखा। तो आप लोग बताएं बिना इजाजत के हम अगले इंसान के पास कैसे चले जाए? क्यों भाभी, बिना इजाजत के अगले इंसान के पास हम कैसे चले जाए? वो नहीं, तो आपको जब तक इजाजत नहीं मिलेगी आप जा सकते हैं। जब उधर से नहीं इजाजत मिल रही तो कैसे इधर से वो जाए? बड़े बशकिला का भी ऑपरेट हुआ है ना, पता चला। मैं बाजी को कह रही थी, मैं बाजी मुझे पूछ रही, मैंने कहा नहीं हम तो उसी दिन गए थे, जिस दिन हम उसी दिन गए थे पता करके आए थे, वो गिरना चाहिए। छोटा सा नहीं भाई, आधा किलो की निकली है वो, इतनी बड़ी थी भाई, आधा किलो मतलब इतनी बड़ी होती है। छोटा ऑपरेशन मतलब ये नहीं बड़ा ऑपरेशन बोलते हैं, नहीं जैसे आइस का होता है उसको बोलते छोटा ऑपरेशन, जैसे हल्का कुछ हो, आइस का मसला हो या कोई फिंगर, फिर हम उठा के ले आइए। ये वही है,
लेकिन ये शुक्र है खुदा का कि हम तो बहुत ज्यादा बाजी परेशान हो गए थे कि खैर के लिए से अपने अभी इस जगह पे कंधे पे इतना सारा गोश्त कम पड़ गया तो खड्डा कैसे फील होगा वो इनको गोश्त खाना पड़ेगा दबा के ना तो खाती भी तो नहीं है गोश्त बड़ा गोश्त मुर्गी के अलावा खाती नहीं तो मुर्गी तो लगेगी भी नहीं मुर्गी नहीं लगेगी बकरा वगैरह लगेगा चले खैर है बस ब्लॉग साथ चल रहे बने रहे चलो सोनी चले हम घर पे इसको लेके जाना हमारे साथ जाना है इधर देख जाना नहीं जाना जाते तो चलो चले पे मुकद्दस जो है ना हमारे आते तक बेडशीट की जो है ना इसने सेटिंग कर दी इसमें भाई आके लेट जाएगा बैठ जाएगा फिर टाइम हाँ हाँ भाई डड्डू क्या हाल है तेरा क्या हुआ तो गोपाल भाई लोगों की तरफ से हम लोग आ चुके हैं तो क्या हुआ पूरा मतलब कि माथे का निशान हो जाना उधर यार बर्फ नीचे फेंक दी आपने क्या रखी थी मैंने तो धोती हूँ आप कूलर में पानी देखो धो के ही क्या हुआ देख क्या हुआ मैंने कूलर कितना पानी धोने वाला धो लो इसको अच्छे से हाँ भाई डड्डू क्या हाल है तेरा और सुना कोई नई ताजा क्या खा रहा है किसने दिया बस अंदाज खा 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 सुनी बर्तन भी पड़े हुए अभी तक यार बर्तन आपको पता खाना बना के मैं आपके साथ चली गई थी तो जाहिर है बर्तन तो जैसे खाना बनाया मैं आपको तो कूलर वूलर वॉश करके इसके अंदर डालो पानी अच्छा सा तो बाकी मैं देखता हूँ बाहर की क्या रूटीन है बाहर बहुत गंद है यार गली में बहुत गंद है आप दोनों बाहर बैठ के क्या कर रहे हो कुछ तो कर रहे हो ना तो चलते हैं अंदर की तरफ से मैदा के पास दोबारा हाँ जी कूलर धोना शुरू कर दिया कूलर गंदा था तो मैंने कहा इस बार धोना अभी धोया परसों था तो खाने में आज देखते हैं खाने में क्या बना है खाने में बना है कद्दू चिकन आपने तो चेक नहीं किया क्योंकि आपने आपको मैंने चिकन फ्राई करके दिया था आपको लगी थी भूख आपने उसके साथ खाना खाया तो मुकद्दस जाने वाली है मुकद्दस कब जा रहे हो फिर वापस बस कुछ दिन है मुसाफिर जाने चले एक दूसरे को करे रब के हवाले ये मुसाफिर देखो मुकद्दस ने बोला भाई बर्फ लेके आना रात को बड़ी प्यास लगती है ना देखो मैं आपके लिए बर्फ ले आया मैंने बोला मुकद्दस को प्यास लगी होगी सुबह बर्फ सोनी को खुद सोनी रात को सुबह सुबह फिर पानी मांगते हैं और रात को बर्फ डाली हो तो सुबह ठंडा होता है तो फिर बाजी के घर से तो इसके चैनल पे भी जाना यार क्या नाम है आपके चैनल का क्या क्या करते हो अपने चैनल पे क्या करते हैं आप ब्लॉग बनाती हूं अच्छा अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों से शेयर करते हैं हां और क्या करते हैं हम सुबह कहीं बाहर में जाए आप लोग भाई घूमने फिरने के लिए जाए सुबह का ब्लॉग आप लोगों ने हमारा सबका मिस नहीं करना तो चलिए बस एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमने एक मिनट में एक बात बता दूं खास करके हमने बनाई है सैम के लिए वीडियो हमारा थे आप? मैंने कहा खास करके हमने ये वीडियो सैम और सैम के लिए बनाई है दोनों के लिए तो आप लोगों ने क्योंकि सैम भी नहीं ठीक खान साहब भी नहीं ठीक आपने उन दोनों को अपनी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ बहुत प्यार देते हैं अल्लाह हाफिज़